मूनलाइट स्कूल जिसको मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी चलाती है, उस सोसाइटी के द्वारा मूनलाइट स्कूल को चलाया जा रहा है। मूनलाइट स्कूल आज भगवान के आशीर्वाद से कैथल सिटी के लिए एक घोषणा कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। कैथल सिटी से जो हमारी बेटियां जिनके पिताजी नहीं हैं, ऐसी 200 लड़कियों को हम हमारे स्कूल के अंदर पहली क्लास से लेके प्लस टू तक बिल्कुल फ्री शिक्षा देंगे। इसी के अंदर जिस परिवार के अंदर सिर्फ बेटियां हैं उनको भी पहली से लेके प्लस टू तक निशुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी। आज का जो हमारा विषय है प्रेस वार्ता का, हमारे कैथल की जो बेटियां हैं जिनके फादर नहीं हैं, तो आज का विषय हमारा प्रेस वार्ता का यही है कि हम उन बेटियों को पहली से लेके प्लस टू तक बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। जो सालाना बजट बैठेगा वो लगभग 70 से 72 लाख के करीब एक साल का बैठेगा 200 बच्चों का। हमारी जो मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी है उसके बहुत से सदस्य हैं, बहुत मित्र हैं जो समय समय के ऊपर हमारा सहयोग करते रहते हैं। अगला जो लक्ष्य रहेगा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे कैथल के अंदर जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए आने वाली 25 तारीख को एक बहुत बड़ी हम घोषणा करने जा रहे हैं। उसी के कड़ी के अंदर नगर परिषद के अंदर जो महिला कर्मचारी हैं पार्ट टाइम पे जो काम करती हैं, तो उनके लिए भी हम और हमारा स्कूल एक नई योजना लेके 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को आप साथियों के चैनल के माध्यम से हम पब्लिक के बीच में, शहर के बीच में, जनता के बीच में ऐसी कुछ घोषणाएं करेंगे। ये दोस्तों 2000 में मैं नगर पार्षद बना था। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि 2000 से लेके आज 2022 चल रहा है। आप 2000 के अखबार उठा लीजिए और आज के अखबार उठा लीजिए, मेरे खून के अंदर उस टाइम से लेके अभी तक ऐसी योजनाएं, अनगिनत योजनाएं हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। 3200 बच्चों की मैंने आपके चैनल के माध्यम से लगभग 7 महीने पहले घोषणा की थी, जिसमें से हमारे पास एट प्रजेंट 1700 बच्चे क्लास लगा रहे हैं, जिसके अंदर 450 बच्चे कंप्यूटर के हैं, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह के हमारे बैच हैं। और लगभग हमारे पास 500 लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो एनटीटी का डिप्लोमा कर रही हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज जो हैं हम अपने स्कूल की तरफ से उन बच्चियों को फ्री करा रही हैं। जैसे फायरमैन का डिप्लोमा है, फायरमैन की जो फीस है वो 40,000 पे फीस है, हमारे पास 200 बच्चे फायरमैन का डिप्लोमा कर रही हैं, वो डिप्लोमा भी हम उन बच्चों को फ्री करवा रहे हैं। पार्लर का भी है, पार्लर के भी हमारे पास 350 बच्चे हैं। तो मौके के ऊपर 1685 बच्चे मूनलाइट स्कूल के अंदर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो हमने घोषणा करी थी उस घोषणा को हमने लागू भी किया है और कर भी रहे हैं। अभी पीछे कोई करीब एक महीना पहले प्रदेश के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे, उन्होंने 100 बच्चों को अपने हाथों से एनटीटी का डिप्लोमा दिया था। वो जो डिप्लोमा था महात्मा गांधी प्रौद्योगिक संस्थान, जो हमारे छोटे भाई विनोद जी आए हुए हैं जो इस संस्थान के मालिक हैं, उनके द्वारा ये डिप्लोमा हमें दिया था और हमने उस डिप्लोमे को बच्चों को दिया है। उसकी जो कीमत थी डिप्लोमे की 10 लाख रुपए, हमने किसी बच्चे से 10 पैसे भी नहीं लिए। हमारे पास सभी टीचर हैं और सभी टीचर जो हमारे पास हैं, जो हमारी प्रिंसिपल है वो भी MSc है, MA है, BEd है, और जितने भी हमारे पास टीचर हैं, जो जैसे पार्लर की हमारे पास टीचर हैं, वो भी ITI से प्रोफेशनल कोर्स से कंप्लीट करके तब हमने उनको अपने स्कूल में टीचर रखा है। एजुकेशन सोसाइटी है जिसको मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा हमारे स्कूल को चलाया जा रहा है। मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी के अनगिनत हम मेंबर हैं। हम मेंबर आपस में पैसा इकट्ठा करके ये योजनाएं चला रहे हैं।
मैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट, मैं करनाल हरियाणा से हूँ। मेरे नाम पे ब्लड डोनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं अभी तक 229 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, जिसमें 135 होल ब्लड है, 94 पैटलेट्स है, और मैं यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल का मेंबर हूँ। आज प्रेस वार्ता का जो भाईपाला राम जी हैं, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, जो जिनके फादर नहीं हैं, बच्चे हो बच्चियों के, उनके फ्री एजुकेशन फर्स्ट क्लास से लेके और 12वीं तक के लिए। और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है कि जो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उन अनाथ बच्चों के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा एक बेसिक है। अगर कोई भी बच्चा प्लस टू तक जाके अगर उसको फ्री शिक्षा मिल जाती है, तो वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है और बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने। और मैं अपनी तरफ से भगवान से दुआ करूंगा कि जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, इसमें ये सक्सेस हो। घर रहे, सुरक्षित रहे, स्मार्ट लोकल से ऑनलाइन खरीदारी करें। 100% ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक बाइंग एक्सपीरियंस। स्मार्ट लोकल, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट लिविंग। अब स्मार्ट बनेगा कैथल।